अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्यों शोर कर रही हो तुम? तुम्हारी दलीलें सुनने में किसी को दिलचस्पी नहीं है, नहीं हैदर तुम पे एतबार करता है। मेरे खानदान की इज्जत तार तार करने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला, आखिर क्यों मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो तुम? आपको अपना घर बर्बाद होने का डर है और यहाँ मेरी दुनिया बर्बाद हो रही है, उसका जरा सा भी मलाल नहीं आपको? आप चाहे जो कर लें, आज मैं नहीं रुकूंगी। आपकी इज्जत का ख्याल बहुत कर लिया, पर अब और नहीं, आज आप मुझे नहीं रोक सकती। हैदर, 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 क्या तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? अम्मी से ऐसे बात करने की? खुदा का हुक्म है सच बोलो, फिर चाहे गर्दन पे तलवार क्यों ना हो। और मैं बस वही कर रही हूं। ये है कि चुप हो जाओ दुआ। कुछ नहीं बोलोगी तू? एक सेकंड, बोलने दीजिए दुआ को। मैं भी जानना चाहता हूं कि वो क्या बात है। जिसकी वजह से आपके साथ वो बदजुबानी तक उतर गई। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, पर मेरा अल्लाह जानता है कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हैदर, बात यह है कि गजल इस खानदान को बर्बाद करना चाहती है और वो ये सब इसीलिए करना चाहती है क्योंकि क्योंकि वो हैदर, गजल घर छोड़कर भाग गई। भागे मतलब? आप लोगों के साथ थी ना, रोका क्यों नहीं उसे? भाईजान हमने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं रुकी भाईजान, बहुत गुस्से में थी। और जब मैंने जबरदस्ती उसको रोकने की कोशिश की, उसने मेरा सर दरवाजे में दे मरा। देखिए कितना खून बह रहा है। हैदर, गजल अपने आपे में नहीं थी हैदर, वो तो यहां तक कह रही थी कि वो खुदकुशी कर लेगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।